और छोरो की हाल। तो आज अपन लोग खेलने वाले हैं बैड बॉर्स बट माइनक्राफ्ट में। अब भाई मुझे तुम में से काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ब्रादर देख तूने ब्लॉक में उनको का बैड बॉर्स खेला है ठीक है, और तू उसमें काफी ठीक ठाक खेल भी लेता है ना, बट क्या कभी तूने माइनक्राफ्ट का बैड बॉर्स ट्राई किया है? क्योंकि वो बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको खेलने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है तेरे को और साथ में बहुत मजा भी आएगा। मैंने कहा यार ऐसी बात है तो जब तो यार ट्राई तो करना पड़ेगा। मैंने कहा यार बैड बॉर्स तो मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक खेल लेता हूँ ठीक है। तो इसलिए आज के एपिसोड में अपन लोग माइनक्राफ्ट का बैड बॉर्स ट्राई करने वाले हैं, और अब मुझे नहीं पता अपनी कितनी गंदी बजेगी या फिर नहीं, बट एक चीज कन्फर्म है मजा बहुत आएगा ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप सभी का कीमती वक्त ज्यादा बर्बाद न करते हुए चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो हियर वी आर। तो यह है अपना बैड बॉर्स का फर्स्ट मैच माइनक्राफ्ट में, और वेल मैं अभी के लिए खेल रहा हूँ स्क्वाड मैचेस, क्योंकि भैया मैं सोलो या डुओ मैचेस खेलने के मूड में कतई ना हूँ। क्यों? क्योंकि भैया देखो पहली बार अपन बैड बॉर्स में माइनक्राफ्ट में पहली बार बैड बॉर्स खेल रहे हैं। इससे पहले अपन लोग ब्लॉक मैन गो में खेलते थे और काफी सही खेलते थे। हाँ प्रो लेवल पे नहीं खेलते थे बट ठीक ठाक खेल लेते थे ठीक है। बट यहाँ पर अपन ने अभी तक एक बार भी मैच नहीं खेला, तो मैं अभी के लिए काफी डरा हुआ और काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भैया ये अपना बैड बॉर्स का फर्स्ट मैच है माइनक्राफ्ट में ठीक है। एंड उसके अलावा मेरे को मतलब ये क्या बात हुई भैया, मतलब हमारा ये पहला मैच है और तुम येलो वालों ये तो कोई बात नहीं होती यार, हैं तुम गेम में ही नहीं हो। खैर छोड़ो बाढ़ में जान दो सालों को, मैं उनका क्या ही कर सकूं ठीक है। अब मेरे देखो रूल रेगुलेशन समझने की जरूरत तो मुझे है ना ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये लोंडी है स्क्वाड अपग्रेड ठीक है, ये अपनी अपग्रेड वाली लोंडी है जो अपनी अपग्रेडिंग करती थी ब्लॉकमैन गो में ठीक है। एंड ये है आइटम शॉप ऑलराइट। तो यहाँ जाते हैं मिली में जाकर, मेरे पास 7 गोल्ड हैं, ओ एक्चुअली 10 है मेरे पास भाई, बहुत है मेरे पास। हम भी इस गेम के रईस बंदे बन सकते हैं, बहुत जल्द बन जाएंगे ठीक है। आर्मर ले लेते हैं, ये क्या जूते जूते मिल रहे हैं या तो 40 में जूता ले लेते हैं, कोई अर्जना है ठीक है। एक मिनट पूरा आर्मर, हाँ जूते दिए आराम खोरो ने, बड़े कंजूस हो तुम सालो। ये लंबी नाक के ब्लेजर, इनको मारू सालों को पहले। तो उसके अलावा एक काम कर लेते हैं, काफ़ी सारे ब्लॉक ले लेते हैं। ओ ये ये सही है, ओ नाइस। तो एक काम कर लेते हैं अपन 18 ब्लॉक ले लेते हैं, पता नहीं ज़्यादा है या कम है बट ले लिए मैंने तो। ओह एक मिनट, अगर मान लो बाई लग मेरा चांस बन गया बाई लग, हाँ मुझे पता है मैं वैसे तो किसी को मार नहीं पाऊंगा बट लग जाता है तो अपने पास बैट तोड़ने का भी तो औजार होना चाहिए ना भाई। हाँ मौका भी चाहिए अपने को। तो वह अब अपन युद्ध पर जाने के लिए कतई रेडी हैं, और अब मैं ये सोच रहा हूँ मेरे को धन्यवाद मित्र। अच्छा मैं समझ गया ना यार, ये तो ये डायमंड के हैं और सामने वाला एम्ब्रल का है। ओके अंडरस्टूड भैया, मैंने बहुत खेला बैट बॉर्स ठीक है ब्लॉकमैन गो में, माइनक्राफ्ट में पहली बार खेल रहा हूँ ना, मतलब बुरा मत मानिएगा। देखो ये रहा है एम्ब्रल, अरे हम सब जानते हैं हम ही हैं इस गेम के असली खिलाड़ा। 33 सेकंड लगेंगे इसको आने में, या जब तो ले पाऊंगा ना मैं। ओके ग्रेट, तो एक काम करते हैं तब तक अपने आजू बाजू भटक लेते हैं, कब तक कुछ काम की चीज़ मिल जाए। एक्सप्लोरिंग भाई ये एक्सप्लोरिंग, हाँ जी। और रन अपने को फ्री में पड़े हुए दो एम्ब्रल मिल गए, घर जाते हैं और जल्दी से इनका कुछ माल मसाला बना के खाते हैं। और एक मिनट मेरे हिसाब से एम्ब्रल यहाँ पर आ गए होंगे, आओ अभी तो कम बता रहा था टाइम यार, आओ आ गया ना इसलिए। ओके 3 या ओ ठीक है मेरे हिसाब से, या एक बोरहा पर वो दूर है, हमारे लिए कुछ भी दूर नहीं है क्योंकि हमारे पास ब्लॉक्स हैं। और मैं ये खड्डे जितने भी है ना ये सारे भर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ग्लाइडर वगैरह कुछ नहीं है तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। 6 ओ दैट्स इनफ एक्चुअली है ना, मैं इतना ले क्या हो रहा है यार, ठीक है इतना बहुत है। अब घर चलते हैं और जाकर इनका कुछ बना के लाते हैं ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कोई बॉट नहीं होता, प्लस ये लोग ऑलरेडी काफी खेलते होंगे तो ये ऑलरेडी प्रो होंगे मेरी तरह, मतलब हाँ जंगली आदिवासी नहीं है ना, तो तरीके से करेंगे। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कतई भी, जब मेरे पास सामान पड़ा है ना तो उसका मैं यूज लूंगा, ना कि उसको लेकर मरूंगा। जी हाँ उसको लेकर मरने के मूड में नहीं हूं मैं। तो हाँ भैया कछ हुआ है तेरे पास काम की चीज? अरे दिखा मुझे 3 एम्ब्रल में डायमंड सोर्ड, आन दे बेटा आन दे, कतई आन दे और ये भी आन दे, कोई दिक्कत ना है। नॉक बैक ओ वेल फ्री का मिल रहा है तो आने दे, सब चलेगा मेरे को ठीक है। वो मेरे पास 200 ओड है,
ब्रादर ये ले तेरे लिए इनाम। हेलो ओ भूतनी के साढ़े दे रहा हूँ ना पहली बार किसी को। हेलो साले अज्ञानता में मरेगा देखियो तू, मेरे पास मदद के लिए आया ना कर दे तो तेरे प्राणा ना पी जाऊंगा मैं। और भैया माँ कसम मेरे पे खत ही है ना, गेम कंट्रोल नहीं हो रहा मेरा बंदा, हालांकि ग्रह में जा रहा है। मैं डेफिनेटली भैया अगर एक बंदा मार दिया ना मैंने, कसम से कह रहा हूँ मैं गंगा ना जाऊँगा कतई, नंगा ना आऊँगा भाई दबे, बट गंगा ना जाऊँगा जी हाँ बिल्कुल। एंड यहाँ पर कुछ नहीं है बट ऑलराइट, एक काम करते हैं ब्लू वाले के पास चलते हैं। अब तो अपने पास बहुत सारा माल मसाला है, उधर बिजली कड़क रही है मुझे। ओ इन लोगों ने घर बना लिया अपना, किला फतेह गाइस, किला फतेह। हाँ ओके ओके मैं आ रहा हूँ गाइस, मैं आ रहा हूँ। हेलो सर, साढ़े तेरे पास तो नहीं आऊँगा चाहे कुछ हो जाए। ओके ठीक है, आराम से जाएंगे हम, कोई के जल्दबाजी नहीं है, आराम से कतई आराम से, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज। ओ मेरा बंदा खा गए साले। हाँ ओके ठीक है लोंडो, बहुत सही जा रहे हो तुम लोग, असली तो किला फतेह तुम ही करोगे है ना, बैट इनका यहीं कहीं होना चाहिए आई एम डेफिनेटली श्योर। आओ अरे भैया जी पा क्या डायमंड आर्मर की इतनी औकात है, ये तो कोई भी बात नहीं हुई ऐसी। अरे माँ कसम मैंने सोचा ना मेरी ग्रेट, मैंने सोचा बहुत हेल्थ होगी, आराम से पकड़ पकड़ के फाड़ दूंगा सालों के एक एक को, जाकर पूरी पूरी स्क्वाड की स्क्वाड खा जाऊंगा। हाँ ये तो बेइज्जती हो गई यार कतई अखंड वाली। ओके अंडरस्टूड, यानी ये सारी चीज़ें बर्बाद हैं किसी काम की नहीं है, ठीक है समझ गया। मैं सीधा जाकर है ना ऐसे ही राड़ा खा लाऊंगा वहाँ पर, मैं ऐसे ही राड़ा फैलाऊंगा, मेरा मूड हो चुका है गंदा ख़राब ठीक है। ऑल राइट ये बहुत हैं, चल लेते हैं जाकर उनकी ऐसी तैसी। वेल एक्चुअली अब वैसे तो मैं राड़ा फैलाने के मूड में हूँ, बट मतलब ढंगी सोड मिल जाएगी तो कार्ज ठीक ठीक है ना, मतलब ढंगी सोड ले ला कर देंगे आराम से तसल्ली से है ना। एंड ग्रीन वालों का बैट टूट चुका है, येलो वाले भी बर्बाद हो चुके हैं, बचे हैं तो सिर्फ ब्लू वाले, और एक्चुअली मैं बहुत सही गया था ठीक है, बस मेरे को बैट नहीं मिला था नहीं तो मार देता मैं। और ये मैं किस तरह जा रहा हूँ कसम से, मेरे टीम वालों ने कोई भैया बहुत बढ़िया तरीके से कोई स्ट्रैटेजी वगैरह बना बना कर ही जान क्या क्या बना के गए, मैं सबका बेड़ा गर्क करके मानूंगा। ये क्या हुआ, जीत गए हम ऐसे ही, वेल काफी सही है यार, मैं खाई में कूदा और स्पॉन होते ही गेम जीत गए, यानी तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा लकी बंदा है जी, वाह चलो ठीक है समझ गए। ओके एक गेम और खेल लेते हैं, क्योंकि इस गेम में तो भैया मैंने कछु ही खासा नहीं उखाड़ा ठीक है, एक बंदा नहीं मारा अभी तक मैंने, और मेरे को कम से कम एक बंदा तो मारना ही मारना ठीक है। और वेल ये सही है, लोबी में ये लोग पार्क और खिलवा रहे हैं हमको, वेल ठीक है मैं खेल लूँगा, गिरने से पहले तो गेम में एंटर हो जाएंगे भाई, सब जानता है तुम्हारा भाई रॉक्स ठीक है भाई रॉक्स। वेल मुझे बस इसको थोड़ा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बैट बॉल्स का कंट्रोल और इसका कंट्रोल थोड़ा सा वियर्ड है। अब तुम कहोगे देखो कंट्रोल तो बिल्कुल सिमिलर है, बट तुम्हें यह पता है ना मैं जॉयस्टिक कंट्रोल पे खेलता हूँ, और इसमें भैया ये बटन वाला कंट्रोल है जो ये मेरे बहुत ज़्यादा मुझे इरीटेट कर रहा है, बट वेल ठीक है यार हो जाएगा, इसकी हैबिट पड़ जाएगी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई और तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा आया ना, तो अपन इसमें भी प्रैक्टिस कर कुरा कर इसके कंट्रोल्स को भी मास्टर कर लेंगे, और उसके बाद अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ठीक है। बट अभी के लिए तो मैं यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं करूँगा, फटाफट यहाँ से आ जाते हैं, एक सोड वगैरह बाय कर लेते हैं, गोल्ड वाई नॉट जब है तो ले लेंगे ठीक है, एंड उसके अलावा काफ़ी सारे ब्लॉक्स ले लेते हैं, क्योंकि फ्री का माल मैं कभी नहीं छोड़ता ठीक है। अरे आन दे बहुत सारा माल आन दे, मैं कंजूसी नहीं करूँगा कतई, सारा पूरा सामान लेके मरूँगा एक साथ, एंड उधर ही मिलेगा जो मिलेगा ठीक है समझ गया। अच्छा इधर से सेट ओके ठीक है सेट ओके, ब्रदर वेट कर, अच्छा मतलब ठीक है मैं सीख रहा हूँ ना यार अभी। ओके वाह, बट एक्चुअली मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत थी क्या, जब उस लोंडे ने ऑलरेडी ब्रिज बना दिया, ओह मेरा तन डोले मन डोले सब डोल गया भाई, हाँ गिरते गिरते बचा गिरते गिरते बचा, ठीक है ठीक है ठीक है तरीके से। हाँ भाई तू रहने दे मैं बनाऊंगा पूरी बोप दबेली कारिस्तानी पूरी। ऑल राइट तो वो लोंडा ऑलरेडी सारा सामान ले गया, अच्छा लोंडा था यार ये, तू नहीं लेके गया
सही बात है एक्चुअली, नहीं ले गया तो ठीक है। आ उधर से लो ए ओ ओके, उधर से लोंडे आ गए हम पे हमला करने। ठीक है मैं जा रहा हूँ मेरी टीम की सहायता करने, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो मेरी टीम खत्म हो जाएगी। वेल मेरा होने ना होना एक्चुअली कोई काम का नहीं है। ठीक है मेरे मैं हूँ या ना हूँ, मेरी टीम तो तभी जीत ही जाएगी मुझे, है ना। तुम हो ना खतरनाक प्लेयर। वेल भाड़ में जाओ मुझे क्या। ठीक है अपन आ रहा, कितना दूर रखूँ इसको। ओके ओए ज्यादा तेज मत बढ़ मेरे सामने, रुक जा मैं भी तेरा ब्रिज ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके ब्रदर मैं भी आ रहा हूँ, है ना, दोनों मिलके जाएंगे। अबे रुक जा, ओ रंग बिरंगे रुक जा, मैं जंप लूंगा कसम से कह रहा हूँ, मैं मरा या जीता। वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट हे उधर रेड वाले हैं, या तो मैं अब मतलब खत्म या उनको खा के आऊंगा। हाँ तुमने सही सोचा, मैं ही मरूंगा। हेलो गाइस मैं बहुत दूर। ओए ये क्या बात हुई भैया, कसम से मेरे को लगा हुआ था यार कि मेरा मतलब ली बेट यार क्या ही बोलू। ठीक है अब यहाँ से फटाफट जितना जो भी मिल रहा है सब ले लो और निकल लो। ठीक है फालतू की पंचायत नहीं करूंगा अब मैं, जाएंगे तो सही बट सामान तो पूरा लेकर देंगे। ठीक है मतलब ऐसे नहीं है यार कि मतलब ऐसे मुंह उठा के चले जाएंगे। ठीक है और बताओ अभी तक मेरी किसी प्लेयर से फाइट भी नहीं हुई है लिटरली। ठीक है मतलब ऐसा टाइम पास कर रहा हूँ मैं अभी तक। वेल ठीक है लीव इट, ठीक है अब चल लेते हैं। ओ रेड वाला ये मेरा है। ओए अरे आराम कर, ये मेरा शिकार है, इसको मैं मारूंगा। खा गया वो, हाँ बो रहा। ठीक है मैं जा रहा हूँ उसके पीछे, तू यही रुक। ठीक है मैं उसको खा के आऊंगा, तू मेरा इंतजार कर, मेरा इंतजार करना, मैं उसको मार कर ही वापस लौटूंगा। वह उस टाइम मैं मजाक कर रहा था। ठीक है अब जाऊंगा और अब ओहो 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 मेरी हेल्थ इवन मेरा बैड, मतलब मैं समझ चुका हूँ ये वाला गेम अपन हारने वाले हैं। ठीक है और इसके अंदर लोंडे ने ओके रखा होगा मुझे क्या पता। चलो सही बहुत टाइम पास कर लिया, अब चल लेते हैं यहाँ से, ले लेते हैं सामने सट्टा और अब जाकर लड़ लेते हैं। और वेल इस बार भैया मेरे पास बैड टूट चुका है तो मैं वापस स्पॉन होऊंगा नहीं, तो मेरे को तरीके से लड़ना पड़ेगा। और मैं यहाँ से वाओ कोई आया किसी ने मारा। ओके गाइस वो मेरे दे गए और तुम लोगों ने उसका कुछ भी नहीं किया, कसम से ऐसे ही तो टीममेट की आवश्यकता थी मेरे को यार। अब कितने सालों से ढूंढ रहा था मैं इस तरह के टीममेट को। वाह भाई वाह गजब का यार, बेइज्जती करवा दी इन सालों ने पूरी। वेल 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 ओ फायर बॉल 40 में ड्रीम डिफेंडर, वेल होगा कुछ। ओ गोल्डन एप्पल ले लो ले लो ले लो, लेने में कहा जा रहा है, गोल्ड में ये मिलेगा। एंडर पर्ल वाटर बकेट, ओ ये चीजें मैंने देखी ही नहीं। प्लेयर ट्रैकर ठीक है, वेल मैं ये ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा माल है और मैं ये ले सकता हूँ तो मैं लूंगा अवश्य। ठीक है एंड उसके अलावा मैं यहाँ जाता हूँ थोड़े बहुत, हाँ 50 में ले ले, थोड़े बहुत ही होते हैं बिल्कुल। ऑलराइट तो अब बस मेरे को तरीके से खेलना पड़ेगा, बस जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, और पूरी टीम में बस एक्चुअली हमारी टीम जिंदा है अभी। ओके ठीक है ग्रेट नाइस चॉइस, वो मेरी टीम वाला है, हाँ है तो सही एक्चुअली। ठीक है इस टाइम मैं कोई भी टाइम पास नहीं करूंगा, इसको मारने की सोच रहा था एक्चुअली, मेरे मन में आई थी ऐसी शंका हुई थी है ना, बरादर मुझे ले लेने दो, कीड़े पड़ जाएंगे तेरे। धन्यवाद। वेल मेरे को यहाँ से लेना चाहिए था सामान। वेल ठीक है कोई बात नहीं, ओके है ना ऑल राइट। तो अब जा रहे हैं अपन डकैती मारने किसी के घर पे। ठीक है मतलब वैसे तो मेरे पूरे पूरे कर्म मरने के हैं, एक कैमरा उधर भी पड़ा है, लेके आऊं क्या उसे। रहन दो यार, एमरल से मिलना कुछ है नहीं है, रहन दो नहीं ला रहा। ठीक है तो रेड टीम जिंदा है एंड हम जिंदा हैं। ऑल राइट रेड वाले कहाँ हैं, ओ हमारे बगल वाले, हाँ ओके ठीक है समझ गया, वो रेड वाले वहाँ हैं, उसकी हेल्थ 10 है एंड वो मेरे बाजू में ही है। ब्रो डर रहा हूँ मैं तेरे से बहुत ज़्यादा, क्या कर रहा हूँ मैं ब्रो, या तो तू चिलम्ब के नशे में या मैं। ठीक है ओ भाई साहब पहली किल, हो भाई का तू ऑफिस आने खेल गया, मैं इवन मैंने सिर्फ एक किल करी है बट मजा आ गया कतई। ठीक है ओके भाई साहब, मैंने कसम से बोलू ना मेरे को एक किल की भी उम्मीद नहीं थी, बट नाइस ग्रेट ग्रेट जॉब अटोमिक्स ग्रेट जॉब।
ओके तो यहाँ ओके नाइस, मैंने सोचा नीचे मिलूंगा बट ठीक है। अब यहाँ से मैं जितना भी एमराल्ड मिल रहा है वो सारा, आओ ओ कितना गंदा फ्रेम ड्रॉप भाई, क्यों ओए क्यों भाई, ये क्या हो रहा है यार, कितना सही तो जा रहे हैं यार अपन, फ्रेम ड्रॉप नहीं चाहिए मेरे को यार, प्लीज प्लीज कंट्रोल में रख लो गेम को थोड़ी देर के लिए, मैं जब तक ये गेम जीतू ना तब तक हाँ थोड़ा सा मतलब इज्जत सी बन जाएगी, और तो कचू नहीं, बेइज्जती होने से अच्छी है। ओ छोरे पूरी पूरी मतलब इंतकाम के मूड में है, मुझे लगा है तू है ना। ओके आ जा, लेट्स सी किसकी चमड़ी खिंच, ये क्या क्या था ये है जी। ओह वेल, मेरे का तो समझ में नहीं आया भैया ये क्या हुआ, ठीक है मैं मारा या मैंने एग्जिट कर दिया। वेल आई एम नॉट श्योर बट भैया यहाँ के ये, ओ भाई क्या सही है यार, ब्रॉकमैन गो से तो इसके ग्राफिक भाई मेरे को बहुत प्यारे लगे, ठीक है हाँ उसके ग्राफिक थोड़े कार्टूनिश टाइप के हैं और इस तरह के ग्राफिक मेरे को पसंद है, बट इसके ग्राफिक उससे तो भैया डेफिनेटली काफी अच्छे हैं, ठीक है बस इसका सीन पानी थोड़ा सा नया है तो समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब प्लेयर को कैसे मारूं भाई, चिपक जाऊं कभी उसकी आत्मा में घुस जाऊं क्या करना है मुझे बताओ, बट वेल कोई ना, मेरे को उम्मीद है अगले एपिसोड तक मैं और भी अच्छा हो जाऊंगा, बट अगला एपिसोड तभी आएगा जब तुम लोगों का रिस्पॉन्स मेरे को अच्छा मिलेगा, और कोई आया हमारे यहाँ पर आया था एक्चुअली। वेल ठीक है लोंडो मुझे जाना, तो मैं ही हूँ असली प्रो खिलाड़ा, ठीक है मैं बचाऊंगा तुम लोगों को, आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैं ही सबसे पहले मरूंगा। वेल मेरे को वैसे ये गेम खेलना नहीं है बट अब जब स्टार्ट हो गया है तो जाते हैं, अगर मर गए तो गेम ओवर, अदरवाइज ओ पार्कोर टाइप की चीज कर दी भाई कछु मैंने अभी अभी, छोड़ो मुझे जान, तो मैं ही हूँ असली प्रो खिलाड़ा, इसकी जात का हेलो। अरे और वेल उम्मीद है आप सभी को भी आज के एपिसोड में मजा आया होगा, आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले, और मिलते हैं जल्दी एक और न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट।